के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। सबसे पहले कल के लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, अदरवाइज हम फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो मल्टीटास्किंग क्वेश्चन, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, न्यूमेरिक असेसमेंट क्वेश्चन कहते हैं, उसमें पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। और नॉर्मली जो आपका एग्जामिनर है वो हर दफ़ा एक फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन पूछ रहा है। जितनी भी अटेम्प्ट हुई हैं FCMA की अभी तक CB में, तो वो एग्जामिनर जो है वो एक फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और वो फिक्स पैटर्न जो है वो आपका बनता है जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट से रिलेटेड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो हमने पढ़नी है, लेकिन उसकी सारी वर्किंग हम करते जा रहे हैं। वो एक परफॉर्मा है, वो परफॉर्मा मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर कि हमने किस तरीके से उस परफॉर्मा में वैल्यूज पुट करनी है। तो वो एक स्टेटमेंट है, उसका फॉर्मेट है, जैसे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है उसी तरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। तो वो फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसका आता है बिल्कुल 10 नंबर का, और ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के MCQs भी आ जाते हैं। तो इसलिए इसको मैं ये कहता हूँ कि आपका ये 20 मार्क्स वाला एरिया है, इसीलिए इसको हम इतना स्लो स्लो लेके चल रहे हैं कि इसमें से हमारा कोई भी इवन सिंगल MCQ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इसको बड़े आराम से हम लेके चल रहे हैं ताकि आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बस आपने साथ साथ कवर करते रहना है इसको, अदरवाइज आपको ये मुश्किल लगेगा। अच्छा, ओवरहेड से रिलेटेड भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, आपने देखा भी होगा, मॉक में भी अवेलेबल है और दोस्तों ने भी बताया होगा कि ओवरहेड से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो 3 टोटल आने हैं। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि हर स्टूडेंट को यही 2 आने हैं, एग्जामिनर के पास एक अच्छी चॉइस है। लाइक CGS से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इवन लेबर कॉस्टिंग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, LIFO-FIFO से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई फिक्स एरिया नहीं है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो इस बेस पे कर रहे हैं कि नॉर्मल जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ये कहता है कि इस टॉपिक से आता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि हमेशा इनमें से ही आना है। तो मैं आपको जो भी टॉपिक करा रहा हूँ, आपने देखा होगा कि मैं आपको पूरी उसकी प्रॉपर वर्किंग सिखाता हूँ। इवन मैंने मटेरियल की भी प्रॉपर पूरी वर्किंग सिखाई, LIFO-FIFO EVCO को भी अपने लॉन्ग में किया, EOQ विद डिस्काउंट को भी लॉन्ग क्वेश्चन में किया। तो किसी भी टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? जी, जो थोरेटिकल MCQs है वो भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ MCQs 1 नंबर के आने हैं आपको, कुछ 2 मार्क्स के आने हैं। तो जो थोरेटिकल MCQs है वो नॉर्मली 1 मार्क्स का होता है। तो आपने देखा होगा मेरे टेस्ट के अंदर भी थोरेटिकल MCQs होते हैं, और मैं आपको हर कॉन्सेप्ट थ्योरी का बताता हूँ। जितनी मैं डिस्कशन करता हूँ वो सारी की सारी थोरेटिकल है, और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि बुक भी पढ़ा करें। तो वो आई एम वेल अवेयर कि किस तरह के सवाल आते हैं, और हमने देखा है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो किट के अंदर है
उनमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो थ्योरी से जो है वो आप लोग ना घबराएं। वजह ये है कि नॉर्मली जो आपके सीनियर्स हैं ना, वो इसको एक न्यूमेरिक पेपर के तौर पे न्यूमेरिक करते रहते हैं, वो अपना सारा का सारी एफर्ट्स सिर्फ कैलकुलेशंस पे लगाते हैं, वो हमारी तरह डिस्कशन नहीं करते रहे क्लासेस में, तो इसलिए उनको हो सकता है कि वो थ्योरेटिकल डिफिकल्ट लगते हों, लेकिन आप लोगों को नहीं लगेंगे, आपको सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आसान लगेंगे। थ्योरी जो है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थ्योरेटिकल होती है और वो क्वेश्चन मिक्स होते हैं। मैंने अलहदा से थ्योरी के सवाल आपको कुछ नहीं देने के, आप इसको रट्टा मार लें, आपने कॉन्सेप्ट सीखने हैं और इसी में आपका फायदा है। अगर हम सवालों को रटेंगे तो क्वेश्चन तो आपको पता है अनसीन होते हैं मोस्टली पेपर में, तो इसलिए आपने क्वेश्चन को रट के पेपर में नहीं जाना, तरीका समझ के जाना है जी। आप लोगों के एग्जाम्स जो हैं वो अभी एग्जाम डिपार्टमेंट डेट शीट शेयर कर देगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपके पेपर सितंबर में होंगे, अभी इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, इसलिए ये सवाल बार बार रिपीट ना किया करें। अभी आपका काम सिर्फ क्लासेस लेना है और साथ साथ तैयारी करते जाएं, तो इंशाल्लाह सितंबर तक आपके पेपर हो जाएंगे। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है कि सर पेपर में चॉइस होती है, ये बात तो मैं पहले भी कई दफा कर चुका हूं, और आपको पता है कि आईसीएमए के किसी भी पेपर पे चॉइस नहीं होती। 100 मार्क्स का पेपर होता है, आपने 100 ही अटेम्प्ट करना होता है, जैसे वो बीकॉम में होता है ना कि 8 सवाल आ गए तो आप 5 कर लें, तो वहां पे चॉइस होती है, यहाँ पे आईसीएमए में चॉइस नहीं होंगे। कोर्स इंशाल्लाह अगस्त में कवर हो जाएगा, अगस्त के एंड तक कवर कर लेंगे। जी बिल्कुल, जो स्क्रैप वैल्यू और डिस्पोजल कॉस्ट है ना, उसे मटेरियल की कॉस्ट में एडजस्ट करते हैं, अगर स्क्रैप वैल्यू हो तो लेस कर देते हैं, डिस्पोजल कॉस्ट हो तो ऐड कर देते हैं, तो मटेरियल की कॉस्ट में एडजस्ट करना है, लेबर ओवरहेड किसी चीज में एडजस्ट नहीं करना जी। बुक आप कैपलान की फॉलो करें, बेस्ट बुक मैंने आपको बताई है, ठीक है, और आप देखेंगे कि पेपर में भी आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि जो आपको हो के मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, अगर किसी ने याद नहीं रखा हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ा हमने सारा कुछ होगा। समटाइम्स स्टूडेंट यही कहते हैं कि पेपर भी सारी शायद बनाते हैं, इसलिए ऐसे ही होता है कि जैसे सर की क्लास के सवाल ही कर रहे हैं, तो आप बस ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, आप उसको करते जाएं। जी एग्जाम इंशाल्लाह जो है सितंबर तक उम्मीद है कि हालात ठीक हो जाएंगे तो इंस्टीट्यूट में हो जाएंगे पेपर, अदरवाइज अब हम आईसीएमए ने इतनी सक्सेस हासिल कर ली है कि अब हम इन हालात के ताबे नहीं रहे, हमने अपना पैरेलल एक सिस्टम चला लिया है रिमोट एक्सेस वाला, तो वो बड़ा सक्सेसफुली स्टूडेंट्स ने उसको अप्रिशिएट भी किया है, सक्सेसफुली उसको किया भी है, तो रिमोट एक्सेस पे भी पेपर हो सकते हैं, पेपर होने इंशाल्लाह टाइम पे ही है, डिले नहीं करेंगे। हाँ ये है कि अगर गवर्नमेंट इजाजत देती है तो कैंपस में हो जाएंगे, अदरवाइज रिमोट एक्सेस की हमारे पास ऑप्शन है। जी बेटा, अगर स्क्रैप वैल्यू होगी तो जाहिर बात है मटेरियल की कॉस्ट में से आपने उसे लेस कर देना है, तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आपकी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही आपने कहा है कि कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा कॉस्ट पे फर्क। जी बिल्कुल, प्रोसेस टू में सलमान जो मटेरियल हमें मिला था वो इनपुट है, और जो हमने अगले प्रोसेस को ट्रांसफर किया वो आउटपुट है। शाबाश। नो, अभी मैं आपको सीपीआर और प्रोसेस अकाउंट में उलझाना नहीं चाह रहा, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सीपीआर मैं बाद में बताऊंगा, सीपीआर की टेंशन ना ले, मुझे आता है,
मैं आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा कराऊंगा सीपीआर। मैं खुद ही दो दो तरीकों में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट है, या टी अकाउंट बनाया जाता है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं बनती। तो सीपीआर भी हम बनाना सीखेंगे, अभी हम अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, तो मैं खुद ही दोनों को इकट्ठा नहीं चला रहा, तो सिखाऊंगा आज नहीं। पार्टिसिपेंट्स भी अब आ गए हैं सारे, तो इंशाल्लाह अभी हम आपके और अगर सवाल नहीं है तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा तो हमारे पास दो चॉइसेस होंगी कि क्या वेटेड एवरेज से प्रोसेस अकाउंट बनाएं या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से बनाए। अब आपको मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूं और आपने इसको गौर से सुनना है। सपोज करें कि हम शुगर इंडस्ट्री का प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, हमने आज एक प्रोसेस का डाटा लिया और उस प्रोसेस में अभी कुछ ऐसी चीज बाकी थी जो फुली कंप्लीट नहीं थी। शुगर का प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप इज क्रशिंग, आपने उसको क्रश किया, देन ब्राउन शुगर, देन व्हाइट शुगर। तो सपोज करें कि अभी कुछ मटेरियल ब्राउन शुगर की स्टेज पे है और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया या अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया, तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, वो फुली कंप्लीट नहीं थी। अब अगले दिन से वही क्लोजिंग ओपनिंग बनेगी। अब जब ओपनिंग इन्वेंटरी आ जाए तो अब हमारी कॉस्टिंग पॉलिसी क्या है? क्या हम वेटेड एवरेज के तहत चल रहे हैं या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत? वेटेड एवरेज कल मैं करवा चुका था कि वेटेड एवरेज में हमने अज्यूम किया होता है कि सारे यूनिट एवरेज हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि पहले वाइट शुगर वो बनेगी जो ओपनिंग में था। तो लॉजिकली भी प्रैक्टिकली भी प्रोसेस अकाउंट में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस के अंदर जो चीज पहले से मौजूद है पहले वो फिनिश गुड्स बनती हैं। जो भी चीज प्रोसेस के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, जैसे हमने गन्ने से रस निकाला, रस से ब्राउन शुगर बनाई, तो ब्राउन शुगर के बाद व्हाइट शुगर बननी है। तो अब जब व्हाइट शुगर बनेगी तो सबसे पहले कौन सी बनेगी? जो ऑलरेडी ब्राउन शुगर बन चुकी थी वो कन्वर्ट होगी व्हाइट शुगर में। तो इट मींस प्रोसेस कॉस्टिंग की नेचर के मुताबिक हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीजें ऑलरेडी प्रोसेस में है पहले वो फिनिश गुड्स की तरफ जाएंगी। तो इसलिए जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है वो प्रैक्टिकली मोस्ट सूटेबल मेथड है प्रोसेस इन्वायरमेंट में। आप घी बना रहे हैं, स्टील बन रहा है, कोई भी चीज बन रही है, हमेशा फिनिश गुड्स में वो चीज पहले बाहर निकलेगी जो ऑलरेडी प्रोसेस के इन है। तो इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज द मोस्ट सूटेबल। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने एवरेज कॉस्टिंग को भी फॉलो किया हुआ है, तो इसलिए आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो भी आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड अडॉप्ट करना है दैट मस्ट बी फॉलोड विद कंसिस्टेंसी। तो इसलिए आपने पहले सोचना है कि मुझे कौन सा मेथड सूटेबल है, लेकिन मैंने बता दिया कि प्रोसेस इन्वायरमेंट में मोस्ट सूटेबल वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंट्री इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आज मैं आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जब प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से एवेल्युएशन की जाए तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो आपने इस कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से समझना है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आप अगर इसे तवज्जो से समझें तो ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, ये दूसरे सिस्टम से थोड़ा लेंथी है, इसीलिए मैं इसको काफी बाद में करवा रहा हूँ, शुरू में नहीं करवाया, ताकि आपको पता हो कि एबको तक तो हम ये करते रहे थे, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जब होगा तो फिर क्या चीजें करनी है। तो चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन करते हैं और उसी इलस्ट्रेशन से मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, और मैं इलस्ट्रेशन भी आपको वही पुरानी कराऊंगा, लेकिन उसमें मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड से करेंगे जिसको हमने ऑलरेडी एवको से किया हुआ है।
जी तो हम जी स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 400 यूनिट्स आपको स्क्रीन नजर आ रही है। 400 यूनिट्स डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट। जी ठीक है, ये वही डाटा है जिसको एवको से किया था। अब हमने इसको करना क्या है, प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है जी, तो हमने इसका प्रोसेस अकाउंट बनाना है। आपको ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है, ओपनिंग की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी बताई हुई है, कॉस्ट भी बताई है, यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, ये प्रोसेस वन का डाटा है जी, फर्स्ट प्रोसेस ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस वन है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस ने अगले डिपार्टमेंट को यूनिट्स ट्रांसफर किए, तो ये आउटपुट होगी। फिर ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग की डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी बताई हुई है, ओपनिंग की डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी बताई है क्वेश्चन में, क्लोजिंग की भी बताई है। और फिर जो हमारी कॉस्ट इंकर्ड हुई है वो मटेरियल और कन्वर्जन दोनों की बता दी है, और रिक्वायरमेंट वही है, प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन का तरीकाकार बताता हूं। हम केस थ्री पढ़ रहे हैं, केस थ्री था कि आपके डाटा में ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दोनों होंगे, और इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से हम इसकी इवेल्युएशन करने जा रहे हैं। एबको से हमने कल किया था इसे। तो सबसे पहले हमने टी अकाउंट बनाना है। टी अकाउंट में वही फॉर्मेट यूज करेंगे, थ्री कॉलम्स वाला, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, कॉस्ट। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, कॉस्ट, दिस इज प्रोसेस अकाउंट। विच प्रोसेस? प्रोसेस वन। दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। अब डेटा लिखते हैं क्वेश्चन से देख देख के। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 400 यूनिट्स, इस पे मटेरियल की कॉस्ट, कन्वर्जन की कॉस्ट। तो मटेरियल जो है ओपनिंग में आपकी कॉस्ट थी 1980, 1980, और कन्वर्जन की कॉस्ट है 3775। देन कॉस्ट इंकर्ड, मटेरियल, कन्वर्जन। कॉस्ट इंकर्ड आपको दी हुई है 100,000 और 85,995। तो ये कॉस्ट लिख ली, आउटपुट क्वेश्चन में बताया हुआ है यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 1700, तो आउटपुट इज 1700। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 300 बताया हुआ है, तो टोटल हो गया 2000। ये क्वेश्चन कल किया था, ये वही क्वेश्चन है। लॉसेस नहीं है तो इसलिए मैंने नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस या गेन नहीं लिखा। अब ये बैलेंसिंग फिगर यूनिट्स को शो करेगी 1600, यानी ये वो हैं जो हमने इस पीरियड में नया इनपुट किया। ये मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, ये किसको शो कर रहे हैं, इनपुट को, जो हमने इस पीरियड में नए यूनिट इनपुट किए। तो देखें जी, यहां तक हमने क्या किया, ये सारा कुछ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने सिर्फ उनको उनकी असल जगह पे लिख दिया। डेबिट साइड पे जो चीजें आनी थी वो डेबिट साइड पे लिख दी, जो क्रेडिट साइड पे आनी थी वो क्रेडिट साइड पे लिख दी। अब आपकी मुझे तवज्जो चाहिए, सारे काम छोड़ के इस बात को अब समझिएगा। हम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इधर देखिएगा,
आउटपुट है 1700। आप मुझे बता सकते हैं कि इस 1700 में से अगर मैं इनकी सेग्रीगेशन करूं कि ये 1700 कौन से हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये कहता है कि जो पहले से प्रोसेस में इन है ना वो पहले आउटपुट बनेगा। इसका मतलब है मुझे श्योर है कि इस 1700 में ये 400 शामिल है, क्योंकि ये 400 यूनिट वो थे जो पिछले पीरियड से इस प्रोसेस में इन है। तो जब भी आउटपुट बनेगी कंप्लीट होगी तो पहले ये वाले 400 बाहर आएंगे। ये वही बात है कि ब्राउन शुगर बन चुकी है 400 kg, अब व्हाइट शुगर बननी है तो पहले ब्राउन शुगर व्हाइट में कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो आउटपुट है इसमें मुझे डेफिनेटली श्योर है मुझे कि 400 वो वाले हैं जो ओपनिंग वाले थे, क्योंकि मेथड में कौन सा यूज कर रहा हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1700 यूनिट्स हैं इनमें से 400 तो यही हैं जो इस 1600 में से कंप्लीट हुए, यानी ये वो वाले यूनिट्स हैं जो मैंने इसी पीरियड में स्टार्ट किए और इसी पीरियड में मैंने फिनिश किए। और फिर यहां से मुझे फिर एक और बात पता चल गई कि अब मुझे ये भी कि ये जो 300 है ना ये इस 1600 में से निकले हैं, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत जो 400 थे वो पहले कंप्लीट होंगे तो वो 400 आउटपुट के अंदर शामिल है। और टोटल 1700 में 400 माइनस करूं तो 1300 यूनिट्स वो हैं जो इनको मैंने इसी पीरियड में शुरू किया और इसी पीरियड में फिनिश किया। और ये जो क्लोजिंग है ये किस करंट की इनपुट, अगर को दो थ्योरेटिकल सवाल मिल गए कि वो आपसे पूछ सकता है कि क्या है यूनिट स्टार्ट पीरियड, पीरियड में स्टार्ट हुए और इसी में फिनिश हुए, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट्स स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, यानी जिनको हमने इसी पीरियड में बनाना स्टार्ट किया और इसी में हमने एंड कर दिया, उसे स्टार्टेड एंड फिनिश का नाम देंगे। और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं, यूनिट्स स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, इसका सिंपल सा फार्मूला, आउटपुट माइनस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। तो आउटपुट थी 1700 माइनस कर दिया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, तो 1300 यूनिट्स वो हैं जो हमने इसी पीरियड में स्टार्ट किए इसी में फिनिश किए। अच्छा, इसको को कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका भी है, ऑल्टरनेट स्टार्टेड एंड फिनिश यूनिट्स आर इक्वल टू इनपुट माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो इनपुट था 1600 माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, अच्छा अगर लॉस हो तो नॉर्मल लॉस अबनॉर्मल लॉस भी लेस करना होता है, लेकिन इस सवाल में इसमें कुछ नहीं है तो इसलिए ये सारी चीज तो जीरो होगी, तो इससे आंसर 1300 ही आया। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इस पहले मेथड से कर लिया करें, ये सबसे आसान है, इसमें लॉसेस को भी कंसीडर नहीं करना पड़ता कि जो आउटपुट हुई है उसमें से मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस कर दूं तो वो ये बचेगा जो इसी पीरियड में शुरू हुआ और इसी में कंप्लीट हुआ। तो अब मुझे इसकी सेग्रीगेशन इसलिए करनी पड़ गई, कल मैंने इसकी बात इसलिए नहीं की थी कि कल मैं एवरेज कॉस्टिंग यूज कर रहा था, मेरी तरफ से 1700 में से जो मर्जी पहले बन जाए मेरी तवज्जो उस वक्त थी नहीं। अब आज क्योंकि कॉस्टिंग मेथड वो चूज कर लिया है कि अब मुझे ध्यान रखना है कि पहले कौन आया था, जैसे इन्वेंटरी में पड़ा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो अब क्योंकि मुझे ख्याल रखना है कि पहले से प्रोसेस में कौन था तो मुझे उनकी कैलकुलेशन अलहदा करनी है और मुझे उन यूनिट्स की कैलकुलेशन अलहदा करनी है जिन पे कॉस्ट इसी पीरियड में लगी है। तो इसीलिए मुझे सबसे पहले एक ऐसी चीज चाहिए थी, मुझे ये पता होना चाहिए था डाटा में कि कितने ऐसे यूनिट्स हैं जिनको मैंने अभी शुरू किया, अभी से मुराद इस पीरियड में, और उनको मैंने इसी पीरियड में कंप्लीट किया।
तो वो होगा यूनिट्स स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। जी मुझे बता दें आपको यूनिट्स स्टार्टेड एंड फिनिश्ड की लॉजिक, कैलकुलेशन और फॉर्मूला सारी चीजें समझ आ गई हैं? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी स्टार्टेड एंड फिनिश्ड के हवाले से मुझे बता दें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी के नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। स्टार्टेड एंड फिनिश, यूनिट्स विच आर स्टार्टेड इन अ प्रोसेस इन दिस पीरियड एंड कंप्लीटेड इन दिस पीरियड। और कैलकुलेशन कैसे करते हैं? आउटपुट माइनस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, या दूसरा तरीका आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये पहले तरीके को रिकमेंड करूंगा कि आसानी की खातिर आप इसी से कैलकुलेट कर लिया करें। तो हमें ये पता चल गया। और दूसरी चीज जो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि इन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज ऑलवेज फ्रॉम इनपुट, तो सही है कि ये जो 300 है हमें श्योरिटी है कि जो पहले का ओपनिंग था ना वो पहले कंप्लीट हो गया है, तो 1600 में से 300 निकले तो वो क्लोजिंग में पड़े हैं, तो बाकी के 1300 जो है वो आउटपुट बन गई है, वो स्टार्टेड एंड फिनिश्ड है। ठीक हो गया। चले अब अगली बात करते हैं। पहला फर्क यहां पे हमें एक नया कॉन्सेप्ट पता चल गया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमने ये काम करना है, एवको में नहीं करने की जरूरत। इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते थे ना, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स के परफॉर्मा में भी थोड़ी सी चेंजेस हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स क्वेश्चन में परसेंटेजेस दो दी हुई हैं, तो दो कॉलम बनेंगे, मटेरियल और कन्वर्जन। आउटपुट लिखते थे ना पहले, अब हमने स्टार्टेड एंड फिनिश लिखने हैं। अब हमने आउटपुट का वर्ड नहीं लिखना, हमने स्टार्टेड एंड फिनिश लिखना है। तो स्टार्टेड एंड फिनिश हमने निकाल लिया 1300, और वो हैं जो 100% कंप्लीट हुए, तो 1300 मटेरियल में, 1300 कन्वर्जन में। तो इसीलिए हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट बनाने से भी पहले स्टार्टेड एंड फिनिश का हिसाब लगाया कि कितने ऐसे यूनिट हैं जो करंट पीरियड में स्टार्ट हुए और करंट पीरियड में ही 100% कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि अब नॉर्मल लॉस अगर हो तो वो आना होता है, और अगर गेन हो तो वो लेस होता है, वो इधर है नहीं, उसको छोड़ देते हैं अभी। उसके बाद अगली चीज आती है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 300 यूनिट के थे, टी अकाउंट में देख ले। अच्छा, क्लोजिंग की परसेंटेज कितनी थी? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में देख लेते हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्लोजिंग की 100 है मटेरियल के हिसाब से, कन्वर्जन के हिसाब से 50% है। तो 100% फॉर मटेरियल्स एंड 50% फॉर कन्वर्जन, तो ये 150 हो गया। अब ये ऑलमोस्ट मोर और लेस पिछले तरीके की तरह ही है। अब यहां पे आपने एक और काम करना है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी लेना है। फाइफो मेथड में इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आएगा। ओपनिंग यूनिट्स आपके 400 हैं। अच्छा, ओपनिंग की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी थी? अब गौर से सुनिएगा, ये है ओपनिंग की डिग्री ऑफ कंप्लीशन, यानी जब मुझे ये प्रोसेस मिला तो इस पे मटेरियल ऑलरेडी 100% लग चुका था, क्योंकि ये ओपनिंग क्या है, जो पिछले पीरियड की क्लोजिंग है, तो मटेरियल ऑलरेडी 100% लग चुका था जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ इस पीरियड में, और कन्वर्जन कॉस्ट 25% लग चुकी है। तो इसका मतलब है कि मैंने करंट पीरियड में कितना मटेरियल लगाया, 0%। मैं रिपीट करता हूं इस बात को, ध्यान से सुने, जो ओपनिंग की वर्क इन प्रोसेस है वो ऑलरेडी जब मुझे मिला तो 100% मटेरियल लग चुका था, तो मैंने कितना मटेरियल ऐड किया होगा अपनी तरफ से, जीरो, क्योंकि मैक्सिमम चीज 100% होती है ना,
तो उन पे जितना मटेरियल लगना था वो सारा लग चुका था पिछले पीरियड में ही, तो मैंने करंट पीरियड में कोई मटेरियल ऐड नहीं किया इसमें। हाँ, जो कन्वर्जन थी वो 25% थी, तो इसका मतलब है मैंने उसे आउटपुट बनाने के लिए कितनी एफर्ट की है, 75% काम मैंने अब किया है, तो ये 300 हो जाएगा। और इसके बाद आप टोटल कर लें तो ये बन जाएगा जी टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हुए, 1600, और इसके कितने हुए, 1750। तो देखें यही सवाल कल भी किया था, कल इक्विवेलेंट यूनिट्स का आंसर कुछ और था, वो भी यहां होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। कल हमने यही क्वेश्चन किया था, ये वाला, इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स देखें, मटेरियल के ये, कन्वर्जन के ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा इन्वेंटरी वैल्यूएशन का मेथड चेंज हुआ तो हमारा इक्विवेलेंट यूनिट चेंज हो जाएंगे। इसलिए जब एमसीक्यू आते हैं वो कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो हमने ये देखना है कि किस मेथड के तहत फाइंड करने हैं, एवको के तहत या फाइफो के तहत। जी आप इसको एक दफा देखें, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, जी आप इसको देख लें, ये हमने किया अभी इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, फिर उसके बाद अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन हो तो लेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जैसे पहले लिखते थे वैसे ही लिखा, सिर्फ फर्क आया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे। ठीक है, आपने अभी उस पर टाइम फाइनल हुआ, किस टाइम पे, अच्छा चलो मैं देखता हूँ फिर, अभी नहीं। हाँ वो डेट ठीक करा लो, करना तो सैटरडे को ही है, मैं करता हूँ बात, मैं जरा क्लास पढ़ा लूँ। जी इक्विवेलेंट यूनिट्स देखें आपने, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स के हवाले से यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। इसमें स्टूडेंट को जो कंफ्यूजन आ सकती थी वो मैंने इसीलिए शुरू में डिस्कशन में क्लियर कर दी थी, क्वेश्चन पढ़ाने से पहले ही मैंने उसको बता दिया था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में होगा क्या, कि पहले वो चीजें आउटपुट बनेगी जो पहले से प्रोसेस में इन है। तो इसलिए आपको ये उम्मीद तो है कि क्लियर हो गया होगा सारा। जब हम एवको से करते थे ना तो हम यहाँ पे आउटपुट लेते थे इक्विवेलेंट यूनिट में, ये 1700, तो ये 400 ना इसके अंदर ही शामिल होता था, यानी ओपनिंग ऑटोमेटिकली इसके अंदर शामिल थी 1700 के अंदर, ऐसे ही है ना, 1300 और 400 1700 होता है, तो हमने आउटपुट इसमें पूरी लिख ली थी, इसलिए हमने यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं लिखा था। और जब मैंने यही चीज आपको फाइफो में कराई तो मैंने 1700 नहीं लिखा, मैंने उसमें से 400 लेस कर दिया, ये ऊपर देखें ये 400 लेस किया है ना, इसीलिए अब मुझे ओपनिंग लिखना पड़ा, ये 400 मुझे अलहदा से लिखना पड़ा। तो ये लॉजिक थी, ये कोई रट्टा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही करना है, लॉजिक इज दिस कि एवको के अंदर हम आउटपुट की फिगर लेते हैं तो वहां पे आउटपुट में 400 ऑलरेडी ऐड किया होता है, इसलिए हमें ओपनिंग लिखना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो मेथड ही ऐसा है कि उसमें हमने एवरेज ले लिया कि ये 1700 के अंदर सारा है, तो इसलिए वहां पे हमने आउटपुट
ओपनिंग को अलहदा नहीं किया था इसलिए वहां पे ओपनिंग नहीं लिखी फॉर्मेट में। अब क्योंकि मैं ओपनिंग को लिख ही लैदा चुका हूं, मैंने ओपनिंग को सेपरेट कर दिया, तो इसलिए मुझे इक्विवेलेंट यूनिट में ओपनिंग को भी लिखना चाहिए, सवाल नहीं होगा। दिस वाज द लॉजिक कि हमने क्यों यहां पे ओपनिंग लिखा और उसमें ओपनिंग क्यों नहीं लिखा था। अच्छा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कैलकुलेशन दोबारा करा दूं। ये देखें, क्वेश्चन ये कहता है कि ओपनिंग में आपके पास मटेरियल 100% लग चुका था। डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या बताती है कि आपने कितनी कॉस्ट, कितने परसेंट पैसे लगा दिए हुए हैं। तो आपने 100% पैसे लगा दिए हैं, या यूनिट्स कितने लगाने थे, 100% लग गए। तो इसका मतलब है आपने इसको कंप्लीट करने के लिए, इन 400 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए मजीद कोई कॉस्ट या यूनिट इंकर नहीं किया, क्योंकि 100% मटेरियल लगना तो लग चुका था। तो इसलिए यहाँ पे मटेरियल परसेंटेज जीरो, यानी करंट पीरियड में मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया। जहां तक कन्वर्जन का ताल्लुक है तो कॉस्ट 25% लगी हुई थी, तो मैंने इसको 100% आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए 75% कन्वर्जन कॉस्ट इस पीरियड में लगाई है। तो ये था जी इसकी कैलकुलेशन ओपनिंग की। अब अगला क्या होता है, कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट। तो फॉर्मूला क्या था, मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है, तो ये मटेरियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस डिस्पोजल कॉस्ट। अब मटेरियल की कॉस्ट कौन सी लेनी है। अब कल तक क्या करते थे, कल हम ऐसे करते थे कि मटेरियल दोनों ऐड कर लेते थे, ओपनिंग प्लस करंट पीरियड का मटेरियल ऐड कर लेते थे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें, ये वही सवाल है। हमने कल ओपनिंग का मटेरियल और करंट पीरियड का मटेरियल ऐड किया, ये देखें ये ऐड हो गया, सही है। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने कल ऐसा क्यों किया था, हमने कल इसलिए ऐसा किया कि हमारे यूनिट्स भी ऐड थे। ये देखें 1700 के अंदर ओपनिंग और आउटपुट दोनों ऐड थे, तो जब यूनिट ऐड थे तो कॉस्ट भी ऐड हुई। अब आज मैंने ओपनिंग के यूनिट्स माइनस करके सेपरेट कर दिए हुए हैं, तो मुझे कॉस्ट ओपनिंग की नहीं लेनी। तो मैं यहां पे जब मटेरियल की कॉस्ट लूंगा तो सिर्फ मैं करंट पीरियड की कॉस्ट लूंगा। ये मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि करंट मटेरियल कॉस्ट, यानी करंट पीरियड के अंदर जो मटेरियल की कॉस्ट लगी है सिर्फ लेना है। तो ये 100,000 है, स्क्रैप वैल्यू वगैरह है नहीं, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट 1600 है, तो ये कॉस्ट बनी जी आपकी। 100,000 को 1600 से डिवाइड कर दें तो ये बना 62.5। इसी तरह कन्वर्जन, कन्वर्जन को कल ऐसे किया था कि ओपनिंग की कन्वर्जन प्लस करंट की, तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट लेनी है 85,995 डिवाइडेड बाय 1750। तो अब आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या आई, 62.5 प्लस 49.14। This is the average cost per unit for current period. यानी करंट पीरियड का डाटा ही मैंने लिया है, मैंने ओपनिंग का कोई डाटा इसमें नहीं लिया था, इसलिए ये करंट पीरियड के लिए सूटेबल होगी। करंट पीरियड में जो काम हुआ उनके लिए ये सूटेबल है जी। इक्विवेलेंट यूनिट समझ आ गया आपको, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट समझ आ गई और एवरेज कॉस्ट भी आ गई। यहां तक जो सवाल है अभी डिस्कस करें, क्योंकि फिर आगे एक और चीज आ रही है, टी अकाउंट को कंप्लीट करना है।
जी हमेशा फाइफो मेथड में करंट कॉस्ट लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हम करंट यूनिट्स ले रहे हैं। इक्विवेलेंट यूनिट की डेफिनेशन एक दिन करवाई थी, इक्विवेलेंट यूनिट इज अ नोशनल होल यूनिट कंप्लीटेड इन अ प्रोसेस इन अ पीरियड, तो उसका मतलब यही था कि इस प्रोसेस में इस पीरियड में जितने यूनिट कंप्लीट हुए उसको इक्विवेलेंट यूनिट कहते हैं। तो वो बेसिक लॉजिक यही थी कि करंट पीरियड में कितने कंप्लीट हुए, तो इसलिए करंट की कॉस्ट लेनी है। लेकिन एवको में इसलिए नहीं लेते थे कि हमने वहां पे अज्यूम किया हुआ था कि एवरेज कॉस्टिंग सिस्टम है, वहां पे ओपनिंग को सेपरेट नहीं करते थे, आउटपुट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती थी, तो जब यूनिट्स आते थे तो कॉस्ट भी ले लेते थे उनकी। अब हमने यूनिट क्योंकि माइनस कर दिए इसलिए हमने यूनिट्स नहीं लिए ओपनिंग के, और ओपनिंग की जो कॉस्ट ऑलरेडी इंकर हुई थी वो भी नहीं ली इस कैलकुलेशन में। अच्छा जी, यहां तक ओके है जी, कोई सवाल नहीं आया आपका? जी आप बार बार पूछ रहे हैं कि स्क्रैप वैल्यू और डिस्पोजल कॉस्ट मटेरियल में ही होगी, बिल्कुल मटेरियल में ही होगी। देखो बंदों की स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, लेबर कॉस्ट क्या है इंसानों को जो पे कर रहे हैं, क्या इंसान की लेबर कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू हो सकती है? तो अब आपको याद रहेगा, अब आपको ये कभी भूलेगा नहीं कि बंदे की स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, हमेशा स्क्रैप वैल्यू यूनिट्स की होती है, तो वो मटेरियल है तो मटेरियल में से ही लेस करना है आपने। नो, मैंने ओपनिंग के यूनिट्स नहीं लिए, ओपनिंग के वो वाले यूनिट्स नहीं लिए जो पिछले पीरियड में हुए थे। जैसे मटेरियल देखो मैंने यहां जीरो लिया है, तो मैंने पिछले पीरियड के काम को यहां कंसिडर नहीं किया, मैंने सिर्फ करंट पीरियड के काम को कंसिडर किया है कि करंट पीरियड में मैंने कितना मटेरियल लगाया, ओपनिंग में जीरो, और करंट पीरियड में मैंने कन्वर्जन पे कितना लगाया 300। तो मैंने सिर्फ वो लिया है जो पिछले पीरियड में काम हुआ था, मैंने पिछले पीरियड के कोई यूनिट अकाउंट फॉर नहीं किए, इसीलिए मैं पिछले पीरियड की कॉस्ट भी नहीं ले रहा। जी सलमान जी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि मैंने ओपनिंग के यूनिट्स पिछले पीरियड वाले नहीं लिए इसीलिए मैं पिछले पीरियड वाली कॉस्ट भी नहीं ले रहा। अच्छा, एक तो समटाइम मुझे लगता है कि बच्चे क्या क्या पूछते हैं। अब सुने सवाल जी, ओवरहेड्स में मशीन साल्वेज वैल्यू पर रीच करे तो इसकी साल्वेज वैल्यू लेस करेंगे। अब देखें बच्चे ने क्या किया, साल्वेज वैल्यू उसने कहा हाँ मैंने पढ़ा था मशीन की साल्वेज वैल्यू होती है, उसने कहा साल्वेज वैल्यू का मतलब साल्वेज वैल्यू बेटा नहीं, ये यूनिट्स की बात हो रही है कि जो यूनिट जाया हो जाते हैं ठीक है उनकी स्क्रैप वैल्यू की बात कर रहे हैं, दुनिया जहान की सारी स्क्रैप वैल्यू इसमें नहीं लिख देनी कि चलो स्क्रैप वैल्यू या ठोक दो इतने ही खैर है ठीक है। जिस सिनेरियो में है ना उसमें रहे, दुनिया जहान की सारी स्क्रैप वैल्यू उठा के इधर ही नहीं लिख देनी कि अच्छा ये भी स्क्रैप वैल्यू है ये भी स्क्रैप वैल्यू है, हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं उन यूनिट्स की जो जाया हो गए, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल लॉस की डिस्पोजल कॉस्ट। जी फसी क्लियर हुआ आपको पॉइंट, तो खुदा के वास्ते ऐसे पॉइंट ना सोचा करें। एक सिंपल सी बात बता देता हूं, आपका नाम फसी है तो हर फसी आपके वालदैन का बच्चा नहीं है, आप ही सिर्फ उनके बेटे हैं। फसी तो दुनिया में बहुत सारे होंगे तो इसलिए स्क्रैप वैल्यू भी बहुत सारी होंगी, तो आपने जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन की स्क्रैप वैल्यू लेनी है। सर ये तो प्रोसेस वन है, इसमें पुराना प्रोसेस कौन सा है? मैंने कब कहा कि ये पुराना प्रोसेस है? अब देखें यहां पे भी अगेन बच्चा मेरा बहुत मासूम है, बेटा ओपनिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब होता है कि जो पिछले पीरियड में
नामुकम्मल था उसको अब मुकम्मल करेंगे, यानी इसी प्रोसेस में कल अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ तो कुछ चीजें ब्राउन शुगर थी, उनको आज जब नया अकाउंटिंग ईयर शुरू किया इसी प्रोसेस में, किसी पिछले अगले प्रोसेस में नहीं जाना, इसी प्रोसेस में रहते हुए, तो ये प्रोसेस वन का क्लोजिंग बैलेंस था जो अगले अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग अब देखें ओपनिंग क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है, लेकिन इस भाई ने मुझे कह दिया ना कि ये तो प्रोसेस वन है, ये कहां से आ गया, इससे पीछे तो कोई प्रोसेस ही नहीं था। तो ओपनिंग का मतलब ये नहीं है कि जो पिछले प्रोसेस से आया है, ओपनिंग का मतलब ये है जो पिछले अकाउंटिंग पीरियड से आया है। जी समीर हसन बताएं मुझे, आपको समझ आई है? जी समीर बेटा बताएं, आपका जो कंफ्यूजन थी कि ये तो प्रोसेस वन है, इसमें कहां से पुराना प्रोसेस कौन सा आ गया, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का क्या मतलब है, जो प्रोसेस वन में पिछले पीरियड में बच चुका था, सेमी फिनिश था, उसको अब कंप्लीट करेंगे। समीर आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, आप मुझे सुन रहे हैं? बेटा एवको में भी लॉस की ट्रीटमेंट होती है उसी तरह जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, हमने लिखा था शुरू शुरू में, फिर बाद में क्योंकि सवाल के अंदर आ नहीं रहा था तो मैंने लाइन लिखना हटा दी, लेकिन आप देखें तो मैं एवको में लॉस को लिखता रहा हूं, अब नॉर्मल लॉस को भी गेन को भी, वो ऐसे ही आना है, उसमें कोई मसला नहीं। जी समीर आपको फिर क्लियर हो गया? यस सर आपने कह दिया, ठीक है ओके जी। अब आगे चले जी, अब पिछली टेंशनें खत्म हो गई, इक्विवेलेंट यूनिट समझ आ गया, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट समझ आ गई, अब हमने करना क्या है, वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू लिखनी है और आउटपुट की वैल्यू लिखनी है, ऐसे ही है ना, लिख लेते हैं। क्या करते थे आप पहले, आप आउटपुट को इस एवरेज कॉस्ट से जरब दे देते थे, ठीक है, 1700 यूनिट जहां लिखे हुए हैं आप उसको इससे जरब दे देते थे। अब आपने ऐसा नहीं करना, अब मैं मना कर रहा हूं आपको कि अब आपने 1700 को इस रेट से जरब नहीं देनी, मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी लॉजिक समझाएं, क्यों नहीं जरब देनी, मैं देखता हूं कि कितने लोग पहुंच पाते हैं इस जगह पे, कि 1700 जो आउटपुट लिखी हुई है, पहले हम ये करते थे कि 1700 को जरब दे देते थे इस एवरेज कॉस्ट से, अब मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं करना, मुझे उसकी रीजन चाहिए कि क्यों ऐसा नहीं करना। जी अमीर राणा ठीक है, आपकी लॉजिक सही है, जिल्ले अब्बास की भी लॉजिक ठीक है, मैं भी लॉजिक बता नहीं रहा था कि मैं मैक्सिमम आंसर्स ले सकूं। उमर महमूद आपकी भी लॉजिक बिल्कुल ठीक है, जैनब आजम भी शाबाश, माहा वी आर नॉट टेकिंग एवरेज ठीक है, माहा की लॉजिक भी ठीक हो गई, रिदा वाली लॉजिक मुझे समझ नहीं आई कि उसने क्या कहना चाहा है, नोरेज मोहसिन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहता मेथड जो चेंज हो गया सर, बड़ी बात है आपने मुझे बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला था कि मेथड चेंज हो गया, ये रीजन नहीं है मोहसिन, जरा सोचो इसको, रिफाइन करो इस रीजन को। फातिमा मकसूद ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक दी है, ठीक है मोहम्मद यूसुफ ने भी ठीक, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है।
फैसलाबाद का कोई स्टूडेंट मुझे नहीं बता रहा, फैजान, हमजा, बिस्मा, अच्छा फैजान हमजा ने आदि की बात बता दी है, ठीक है। एजाजुल्ला, शाबाश, बहुत अच्छा आपने बताया रीजन इसकी। नोरेज ने भी कमाल ही कर दिया है कि सही बता दिया है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ओके शाबाश जी, मेजॉरिटी ने मुझे आंसर बता दिया है, तो मैं अब आपको समझा भी देता हूं कि ये जो आउटपुट है ना, फाइफो मेथड में आपने हमेशा कॉस्ट ऑफ आउटपुट की ना सेपरेट वर्किंग करनी है। कॉस्ट ऑफ आउटपुट इस मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। अब मैं आपको वो वर्किंग समझाता हूं। आपकी जो आउटपुट है 1700 की थी, इसके किए हमने दो हिस्से, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को सेपरेट कर दिया, स्टार्टेड एंड फिनिश को सेपरेट कर। ओपनिंग हमने कह दिया 400 है और स्टार्टेड एंड फिनिश हमने कह दिया 1300 है, तो 1700 पूरा हो गया। अब बात गौर से सुनिएगा कि ये जो आउटपुट है ये 1700 थी, उसके दो हिस्से कर दिए, उसको हमने काट दिया दो हिस्सों में, ओपनिंग को सेपरेट, स्टार्टेड एंड फिनिश को सेपरेट। अगर हम क्वेश्चन देखें, ओपनिंग पे हमारे ऑलरेडी पैसे लगे हुए हैं, ओपनिंग पे हमारे ऑलरेडी पैसे लगे हुए थे, लेकिन वो फुली कंप्लीट नहीं थी। इसका मतलब है ओपनिंग पे पैसा दो पीरियड में लगा, एक प्रीवियस पीरियड में, एक करंट पीरियड में। ओपनिंग की ऑलरेडी कॉस्ट थी, ये वो कॉस्ट है जो लास्ट पीरियड में इस पे पैसे लगे थे, तो इसका मतलब है कि ओपनिंग पे कुछ ऑलरेडी पैसे लगे हुए थे और कुछ मैंने रहता सहता काम इस पीरियड में किया है उस पे भी पैसे लगे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो ओपनिंग के 400 यूनिट्स हैं, इनकी दो कॉस्ट आएंगी, प्रीवियस पीरियड कॉस्ट, कुछ प्रीवियस पीरियड में पैसे लगे थे और कुछ करंट पीरियड में। अच्छा, प्रीवियस पीरियड में कितने पैसे लगे थे? 19880 19880 प्लस 3775, ये मेरे पैसे प्रीवियस पीरियड में ऑलरेडी इन पे लगे हुए थे, इनका टोटल कर लें। 19880 प्लस 3775 तो ये बना 23655। अच्छा, ओपनिंग पे करंट पीरियड में भी कुछ पैसे लगे होंगे, बिल्कुल लगे होंगे, मटेरियल पे और कन्वर्जन पे। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉलम है। ओपनिंग पे मटेरियल में कोई पैसा लगा? यूनिट्स जीरो, तो यहां पे आ गया जी जीरो, मटेरियल के यूनिट्स जीरो। और कन्वर्जन के कितने यूनिट्स थे? 300। कहां से पता चले? ये लिखे हुए, ये देखें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, कन्वर्जन में 300। अच्छा, मटेरियल का रेट था 62.5, तो इस जीरो को मल्टीप्लाई कर दें 62.5 से, और कन्वर्जन का रेट आपने निकाला 49.14, तो कन्वर्जन को 49.14 से जरब दे दें, तो ये पहली चीज तो जीरो हो गई। 300 को 49.14 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 14742।
अच्छा ये जो 1300 है, ये 1300 वो हैं जो इसी पीरियड में शुरू हुए और इसी में 100% कंप्लीट हुए। तो जब 100% यूनिट कंप्लीट हुआ तो मटेरियल और कन्वर्जन दोनों उस पे लगे, तो करंट पीरियड में आपकी कॉस्ट लगी 111.64, 1300 × 111.64, तो ये बन गया आपका 145,132। तो इन सब को ऐड कर लो तो ये बनेगा जी कॉस्ट ऑफ आउटपुट। इनको ऐड कर लेते हैं 14742 प्लस 23655 183529। तो यहां पे हम लेजर में जाके यहां पे लिखेंगे 183529। और कैसे आया, इसकी वर्किंग की है तो वर्किंग ये नीचे आपने सारी डिटेल्ड वर्किंग की हुई है जी। मैं रिपीट कर रहा हूं जी, ये कॉस्ट ऑफ आउटपुट की कैलकुलेशन को जिनको कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई है ध्यान से सुन लें। आउटपुट की कॉस्ट 1700 है, हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 400 है, ओपनिंग पे कुछ पैसा पिछले पीरियड में लग चुका है, कुछ पैसा आपने अब लगाया, तो जो प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट है उसे आपने सिंपली क्वेश्चन में से देख के लिख लेना है। करंट पीरियड में आपने कितने मटेरियल के यूनिट ऐड किए वो इक्विवेलेंट यूनिट से देख लें, ओपनिंग के सामने 0 है, कन्वर्जन के सामने 300, तो ये हमने करंट पीरियड में मटेरियल और कन्वर्जन दोनों की कैलकुलेशंस कर ली। मटेरियल के लिए मटेरियल का रेट यूज किया करंट पीरियड का, कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन का रेट यूज किया, तो ये कॉस्ट आ गई। उसके बाद स्टार्टेड एंड फिनिश, यानी ओपनिंग को हमने कंप्लीट कर लिया 400, बाकी बचे 1300, क्योंकि 400 और 1300 मिलके 1700 बन रहा है ना, तो हमने 1700 यूनिट की जो कॉस्ट आई वो इतनी आई, इसको हमने ऊपर लेजर में लिख दिया, ये लेजर आपके सामने बना है। और वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू कैसे लिखते हैं, वही पुराना तरीका, मटेरियल सेपरेट कन्वर्जन सेपरेट। अब क्लोजिंग में मटेरियल के यूनिट्स कितने थे, 300, और कन्वर्जन के कितने थे, 150। तो यहाँ पे मटेरियल के लिए 300 लिखूंगा, कन्वर्जन के लिए क्लोजिंग में 150 है, तो ये 49.14 था और ये था 62.5, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 300 × 62.5, दिस विल बी 18,750, 150 × 49.14, दिस विल बी 7371, टोटल इट प्लस 18750 प्लस 183529, दिस विल बी 209650। तो इस साइड का टोटल करके देखें जरा क्या आता है, 19880 प्लस 3775 प्लस 100,000 प्लस 85995, this will be 209650, is it same, yes, assalamu alaikum। जी तरीका समझ आ गया जी, सवाल पूछें।
मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा गूगल क्लास में, जैसे मैंने कल किया था, मैं आज की ये सारी कैलकुलेशन का पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट बेशक रहने, आज मैंने इसीलिए नए पेज पे करवा रहा हूं आपको। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है सर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रीवियस वैल्यू है। तो बेटा ओपनिंग होती क्या है, जो पिछले से बैलेंस आ रहा है। जब आप छोटे थे, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी या बीकॉम किया था, तो वहां पर सिखाते थे ना कि जो लेजर का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले पीरियड में जाके ओपनिंग बनता है। तो ये वही लॉजिक है, यहाँ अब कोई नया लॉजिक नहीं है। तो ये वो प्रीवियस पीरियड की वैल्यू है कि जो प्रीवियस पीरियड से हमें विरसे में मिल गया इस पीरियड में। जिस तरह पिछले सब्जेक्ट्स में जो आपके कॉन्सेप्ट्स बने हैं ना, वो आगे काम आएंगे। ये एफसीएम में आपको बहुत हेल्प करेगा। जितनी डिटेल से मैं आपको हर कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना, विद लॉजिक और 100% करेक्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, तो आप लोगों को ये सीएमए में 4-5 सब्जेक्ट आने हैं जिनमें एफसीएमए ने एज अ बेस बनना है। तो आप इंजॉय करेंगे, आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ तो हमने बहुत पहले ही कर ली थी। ब्रेक करें और इसको सारे को रिवाइज करें, देखें साथ साथ, और मैं फिर आपको टाइम लूंगा ब्रेक के बाद क्वेश्चन पूछने का। तो अभी आप ब्रेक करें, ब्रेक के दौरान क्वेश्चन ना पूछिएगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन डिलीट करने होते हैं ब्रेक में। तो जब मैं आपको कहूंगा कि क्वेश्चन पूछें, तब आपने पूछना है। अस्सलाम वालेकुम।
जी वेलकम बैक जी। अब पूछें सवाल, अगर आपने कुछ पूछने हैं तो पूछें, आपको टाइम दे रहा हूँ। व्हाट्सएप चेक करूं यार, इधर ही पूछ लेना था। व्हाट्सएप पे तो 85 मैसेजेस आए हुए हैं, मैं आपको कैसे पहचानूं कि आप कौन है? ये आपने वो मुझे भेजा है CGS, वो क्लोजिंग स्टॉक GP और CGS पे जो इफेक्ट है, यही है ना आप? बस ये ना हम क्लास के बाद डिस्कस कर लेते हैं, कॉल पे मैं आपको समझा दूंगा ये, क्योंकि इस टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है ना, तो ये इसको फिर कर लेंगे। अभी फिलहाल इस पे फोकस रहे, या आप मुझे रात के टाइम कॉल कर लेना, मैं आपको ये वन बाय वन करा देता हूँ। जी बच्चों, किसी और का इससे इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अगर किसी को कॉस्ट ऑफ आउटपुट, जो मैंने ये वर्किंग सिखाई है, इसका प्रॉपर तरीका यही है, अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया, पेपर में टाइम कम लगे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा, मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूं, लंबा काम है, तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं, आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। वो शॉर्टकट ये है कि आप ऐसा करें, इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएं, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड कर लें, और उसके बाद ना सी बैलेंसिंग, जिंदगी आसान। क्या क्या मैंने बताया कि आपको कॉस्ट ऑफ आउटपुट के लिए ये नीचे वाली सारी वर्किंग, अगर टाइम कम है, नहीं करना चाहते तो आप ना करें, लेकिन आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दी है। मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था कि बैलेंस निकाल लो, तो ये प्रॉपर तरीका ये है कि आप इस तरह करें, लेकिन मैंने शॉर्टकट ये बता दिया आपको कि इन केस आपके पास टाइम कम हो तो आप इक्विवेलेंट यूनिट्स बना लें, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड कर लें और क्लोजिंग की वैल्यू निकाल लें। और अब आपको पता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होती है, तो ये फिगर बैलेंसिंग में निकाल लें, तो ये वही आंसर आएगा जो हमने नीचे वर्किंग की है। कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, वर्किंग किसी ने चेक नहीं करनी, हमें आंसर चाहिए, तो आंसर लिखना है जैसे मर्जी लिख दें। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, जो चीजें मेरे सोचने वाली होती है ना, वो ना आप सोचा करें कि मैं और सवाल कराऊंगा कि नहीं। हाँ, जहाज ने बड़ी अच्छी बात की है कि घबराना नहीं है, बिल्कुल सही है।
एमसीक्यूज हमने करने हैं, किट हमने करनी है। किट मैं इसलिए नहीं अभी करा रहा कि किट में ना एक सवाल पहली चीज का दे देता है, अगला किसी और का, तो मुझे ना फिर टॉपिक रोकना पड़ेगा कि भाई ये अभी पढ़ा नहीं है। किट में आपको तब कराऊंगा जब मैं 100% ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, उस वक्त तक मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ। किट में तो शॉर्ट होते हैं ना एमसीक्यूज, है एमसीक्यूज तो करने ही करने है। ओके जी, अब हम एक सवाल और कर लें इसका तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ये हमने किया है जी, अभी ये इसका सोल्यूशन भी होगा यहाँ पे। ये देखें हमारा आंसर एग्जैक्ट टैली है, कोई एक डॉलर का भी फर्क नहीं है। हमने यहाँ से देखा तो बिल्कुल नहीं था, हम तो अपने तरीके से करते हैं ये, और इसने सारी चीजें वैसी ही बताई हैं जैसे हम करते रहे हैं। ये इसको देख लीजिएगा अगर सॉल्यूशन देखना हुआ। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट यूजिंग FIFO मेथड। वैसे इसने प्रोसेस अकाउंट नहीं मांगा, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस अकाउंट ही सिखाऊंगा ताकि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसका प्रोसेस अकाउंट बनाएं जी, ये क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, आपने टी अकाउंट बनाना है। आपको टाइम दे रहा हूं 5 मिनट के अंदर अंदर इसका लेआउट बना ले, और जब फिर मैं आपके सामने बनाऊंगा के साथ मैच कर लीजिएगा। बनाएं
वालेकुम अस्सलाम, कर लिया है, ठीक है। जी माइक म्यूट रह गया था, चले मैं दोबारा बता देता हूँ। जी मैंने आपके सामने उसी डाटा से प्रोसेस अकाउंट बनाना शुरू किया। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 200 यूनिट्स थे और उनकी मटेरियल की कॉस्ट 1800 गिवन थी, कन्वर्जन कॉस्ट 4000 गिवन थी, इनपुट मटेरियल 19,000, लेबर 19,000, ओवरहेड्स 100% रेट गिवन था। तो ये हमने वहाँ से रेट लेके तो 19,000 का 100% कैलकुलेट किया। तो ये अभी मैं डाटा ही लिख रहा था, तो अब मैंने आपको बता भी दिया है कि डाटा मैंने कैसे लिखा है। आउटपुट लॉसेस है नहीं, तो यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे। कितनी आउटपुट उसने कही है, यूनिट्स ट्रांसफर्ड आई थिंक दिए थे यहाँ कहीं, ये है ड्यूरिंग द पीरियड 2000 यूनिट्स वर पास्ड टू प्रोसेस टू। तो प्रोसेस टू को हमने यूनिट दिए 2000 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो भी उसने बता दिया है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 100 यूनिट्स के हैं। तो यहां पे 100 आ गया। अब लेजर को बैलेंस कर लेते हैं, 2100 इधर है क्रेडिट साइड पे, तो डेबिट पे भी 2100 ही होगा, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर 1900 होगी, ठीक है जी। तो ये हमने लेजर बैलेंस कर लिया। अब प्रोसेस अकाउंट हम बना रहे हैं और प्रोसेस अकाउंट हमने किस मेथड से बनाना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। तो सबसे पहले एक चीज जो कैलकुलेट होनी है, स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, उसका फॉर्मूला था आउटपुट माइनस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। आउटपुट इज 2000 माइनस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 200, सो 1800 यूनिट्स आर स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन दिस पीरियड। तो सबसे पहले हमने स्टार्टेड एंड फिनिश्ड की कैलकुलेशन की। अब हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने हैं, इक्विवेलेंट यूनिट की परसेंटेज मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट की दो कॉलम बनेंगे। तो यहाँ पे हम मटेरियल का कॉलम बना लेते हैं और कन्वर्जन का बना लेते हैं, और हम क्या बनाने लगे हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने लगे हैं। किस मेथड में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। तो सबसे पहले क्या लेना होता है, स्टार्टेड एंड फिनिश लेने होते हैं, वो 1800 हैं, दे आर 100% कंप्लीट। तो 1800 मटेरियल में, 1800 कन्वर्जन में। देन लॉसेस वगैरह लेने हैं, लॉसेस है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आएगा 100 यूनिट्स, मटेरियल के एंगल से 100%, तो ये 100 हो गया। और क्लोजिंग की कन्वर्जन की परसेंटेज है 50%, कन्वर्जन की परसेंटेज क्लोजिंग में 50% है। तो 100 का 50% कैलकुलेट किया, वो 50 बना। अब उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आना है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 200 का है और ओपनिंग की परसेंटेज कितनी थी, 100 थी, जब हमें मिला कन्वर्जन थी 75। तो इसका मतलब है मैंने क्या मटेरियल ऐड किया, 0%, तो ये 0 हो गया। और कन्वर्जन कॉस्ट ऑलरेडी 75% लग चुकी थी, तो मैंने कितनी लगाई, 25%, सो दिस विल बी 50। तो ये 1900 हो गए जी इक्विवेलेंट यूनिट्स, और ये भी 1900 हो गए। तो इसमें ये बाय चांस सेम आ गए हैं जी, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स दोनों के बराबर आ गए हैं, ये बाय चांस है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, पिछले सवाल में डिफरेंट थे। अच्छा, जब हम ये निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या निकालना होता है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करना होता है। मटेरियल की कॉस्ट सेपरेट आएगी, कन्वर्जन की कॉस्ट सेपरेट आएगी। तो मटेरियल की कौन सी कॉस्ट लेनी है, सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट लेनी है। तो मटेरियल की करंट पीरियड की कॉस्ट कितनी है, 19,000, सो दिस विल बी 19,000 डिवाइडेड बाय 1900, दिस विल बी 10। कन्वर्जन कॉस्ट,
तो ये भी कन्वर्जन कॉस्ट करंट पीरियड की लेनी है, कन्वर्जन होता है लेबर प्लस ओवरहेड्स, तो दोनों बराबर ही हैं, तो ये 20 हो जाएगा। तो हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट, वो आपकी बनेगी $30 जी। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाए, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट की, अच्छा शाबाश, जिन्होंने आंसर भी निकाल लिया, वेरी गुड, आप तो जीनियस हैं। आपको पता है मैं एवरेज स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा होता हूं कि उनको समझ आए, जिनको नहीं आती तो इसलिए मुझे जरा स्लो चलना पड़ता है। ओके जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का यहाँ से देख लें कितने हैं, 100 हैं और कन्वर्जन के लिए 50 हैं। तो मटेरियल के लिए ये बना बेटा 100, क्लोजिंग के यूनिट्स इनटू मटेरियल का रेट 10, 50 इनटू कन्वर्जन का रेट 20, दिस विल बी 1000 एंड दिस विल बी 2000 जी। और डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 19000 प्लस 19000 प्लस 19 प्लस 5800 तो ये टोटल बना 62800। तो यहां भी 62800 होना चाहिए, और यहां पे जो फिगर आएगी बैलेंसिंग फिगर, वो आउटपुट की वैल्यू होगी, वो उसमें से ये लेस कर दें आप, तो ये आता है 59800। तो ये हमने बैलेंसिंग फिगर करके निकाला, लेकिन मैंने आपको ये कैलकुलेशन भी सिखाई थी, वो कैलकुलेशन रिपीट कर रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ आउटपुट जो है जो कैसे फाइंड होगी। तो कॉस्ट ऑफ आउटपुट में मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि आप आउटपुट के यूनिट्स लिख लिया करें, फिर इनके दो हिस्से करें, ओपनिंग कितना था 200 यूनिट्स, और स्टार्टेड एंड फिनिश्ड को सेपरेट कर लें 1800। अब ओपनिंग पे कुछ पैसे आपके प्रीवियस पीरियड में इंकर हुए हैं, प्रीवियस पीरियड कॉस्ट, प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट एक 1800 है, एक 4000 है, तो प्रीवियस पीरियड में ओपनिंग पे आपका 5800 लगा। अच्छा, सेकंड कैलकुलेट करना होता है करंट पीरियड में क्या पैसे आपके लगे हैं, करंट पीरियड कॉस्ट मटेरियल और कन्वर्जन, तो मटेरियल तो जीरो यूनिट्स का यूज हुआ, इनटू 10 किया तो जीरो आंसर आ गया, और ओपनिंग में कन्वर्जन के यूनिट्स बने थे आपके 50, तो 50 पे करंट पीरियड पे जो रेट अप्लाई हो रहा है वो 20 है, तो ये 1000 हो जाएगा। और जो 1800 आपके हैं यूनिट्स स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, वो इसी पीरियड में कंप्लीट हुए, इसी में स्टार्ट हुए, तो इन पे सारे के सारे पे करंट पीरियड का रेट 54000 हुआ। तो इनको जब आप टोटल करेंगे $54,000 + $6,800 तो कितना हमने लिखा है बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, ये कोई कैलकुलेशन हमने सही की है, जरा कैलकुलेशन एक दफा देख लीजिएगा, 19,000 into 3 plus 5800, 62,800 minus 3,000, 59,800 जी। मैं देखता हूँ कमेंट्स में आप मुझे शायद कुछ भेज रहे हैं, जी मुझे इसकी कैलकुलेशंस का आंसर बता दें। कन्वर्जन कॉस्ट थोड़ी गलत लिख ली है, देख लेते हैं कन्वर्जन कॉस्ट क्या लिखा है हमने जी। कन्वर्जन कॉस्ट क्या आती है, 19,000 प्लस 98 हुआ, 38 को 1900 से डिवाइड किया 20 आ गया,
अच्छा ये यहाँ पे हमने कुछ गलत लिखा है ना, ठीक है ये 1000 बनता है, ओके हो गया। तो अगर ये 1000 है तो बैलेंसिंग फिगर आपकी 60800 बनेगी, ठीक हो गया। तो 60800 इधर बनता है और इस तरीके से कितना बनता है, 60800 बनता है। तो ये टैली है जी कॉस्ट ऑफ आउटपुट। तो मैंने इसलिए आपको कहा था ना कि कैलकुलेशन चेक करें कि हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ गलत लिख लिया हो, क्योंकि तरीका हमारा परफेक्ट है। तो मेथड का कोई इशू नहीं था, वो जस्ट वो एक छोटी मल्टीप्लिकेशन जो है उसका आंसर गलत हो गया जी। बता दें आसान है ना, तो ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में। अब उसकी रिक्वायरमेंट पता क्या थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसने कहा था कॉस्ट ऑफ आउटपुट बताएं, तो हमने कॉस्ट ऑफ आउटपुट तो निकाल ली है 60800। हम उसके अगर सॉल्यूशन पे जाएं चैप्टर एंड पे तो वो 60800 ही होगा। जी तो वो आप देख लीजिएगा खुद से, मुझे काफी पेजेस स्क्रॉल करने पड़ेंगे इसलिए मैं नहीं जा रहा, मुझे श्योरिटी है कि मेरा आंसर ठीक है। आप अपनी तसल्ली के लिए देख लीजिएगा बाद में। जी जी बेटा, स्टेप बाय स्टेप इसीलिए सिखाया है कि आप लोगों को ये मुश्किल ही ना लगे, ताकि जो सीनियर्स आपको डराते थे ना कि प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत खौफनाक चीज़ है, तो इसलिए सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना। ओके जी, तो ये आप समझ लें कि आपने ना ये टॉपिक ऑलमोस्ट समझ लिया है सारा। अब इसमें छोटी छोटी बातें रह गई हैं, उनको हमने अब आगे करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज एक आखिरी कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ, तो फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे। अच्छा, करंट पीरियड की कन्वर्जन कॉस्ट, ये सुन लें जरा दोबारा, ने कहा है कि करंट पीरियड की कन्वर्जन कॉस्ट क्या है। देखो बच्चों, करंट पीरियड का मतलब होता है कि ये जो आजकल हमारा टाइम चल रहा है ना, काउंटिंग ईयर, आजकल जिसका डाटा दिया हुआ है उस पीरियड की कॉस्ट, तो वो होती है कॉस्ट इंकर्ड इन द करंट पीरियड। वो उसने क्वेश्चन में लिखी भी होती है, जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन को आप देखें तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, तो ये हमारे पैसे इस पीरियड में लगे। और ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ओपनिंग इन्वेंटरी, ये जो जिसको हाईलाइट किया हुआ है, ये वो हैं जो हमारे पिछले पीरियड में लगे थे। तो ये करंट पीरियड की कॉस्ट है और ये पिछले पीरियड की। अब इस टी अकाउंट पे आ जाए तो ये जो तीन चीजें हैं ये आपकी करंट पीरियड की कॉस्ट है और ये दोनों प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट है। अब जब हमने यहाँ पे रेट लेना है तो हमने करंट पीरियड का रेट लेना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे ना फाइफो में करंट यूनिट्स ले रहे होते हैं। हम एवरेज में यहाँ पे प्रीवियस भी लेते थे, क्योंकि हमने ना वहां पे आउटपुट लिखते थे, ये लॉजिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इसलिए मैंने करंट पीरियड की मटेरियल की कॉस्ट ली, करंट पीरियड की कन्वर्जन की कॉस्ट ली, तो इन सब का हमने टोटल किया तो ये 30 बन गया, ठीक है। अब इनको कहाँ पे यूज करेंगे, इन रेट्स को करंट पीरियड के लिए यूज करेंगे। अब करंट पीरियड में हमने क्लोजिंग पे काम किया, तो क्लोजिंग के लिए मटेरियल के लिए मटेरियल के यूनिट्स, कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन के यूनिट्स, और आउटपुट मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली। लेकिन बैलेंसिंग फिगर कैसे निकली उसकी डिटेल्ड कैलकुलेशन ये नीचे करवा भी दी है कि 2000 यूनिट्स थे, इसके दो हिस्से बना दिए कि ओपनिंग को सेपरेट कर दो, स्टार्टेड एंड फिनिश को सेपरेट कर दो। तो 200 ओपनिंग के थे, 1800 स्टार्टेड एंड फिनिश हैं। तो ओपनिंग के जो 200 यूनिट थे ना, उन पे 5800 पहले लगा हुआ है प्रीवियस पीरियड में, और मैंने ओपनिंग में इस दफा कोई काम किया नहीं, जीरो है, और कन्वर्जन में 50। तो मटेरियल के लिए मटेरियल के यूनिट्स इनटू मटेरियल का रेट, तो वो 0 × 10 0 हो गया।
कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन के यूनिट्स लिए ओपनिंग में 50 थे और रेट था 20, तो वो 1000 आया। स्टार्टेड एंड फिनिश 1800 वो हैं जो इसी पीरियड में स्टार्ट हुए, इसी में फिनिश हुए, तो उन पे जो रेट लगेगा वो मटेरियल और कन्वर्जन मिला के 30 हुआ। तो इन सब का टोटल किया तो ये आपके 2000 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई, यानी ये जो 2000 यूनिट आउटपुट है इसकी कॉस्ट हमने फाइफो मेथड के तहत कैलकुलेट कर ली। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब मैं आपको पिछले काफी दिन से कहता रहा हूं कि इस सवाल में लॉसेस नहीं है, अब हम लॉसेस को भी जरा देख लेते हैं क्योंकि हमें बाकी सारी चीजें तो समझ आ गई हैं। अब हम वो सिनेरियो भी देख लेते हैं जिसमें सवाल के अंदर लॉसेस आ जाएं, तो फिर क्या करना है। ये पहला सिनेरियो जो है ये तो ऑलमोस्ट हमने किया ही हुआ है, लेकिन हम इसको देखते हैं जी, ये प्रोसेस अकाउंट क्या कहता है लॉसेस वाला। BLT मैन्युफैक्चर्स केमिकल्स एंड हैज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 15% ऑफ मटेरियल इनपुट, यानी जो मटेरियल हम इनपुट करेंगे उसका 15% लॉस है, नॉर्मल लॉस। मटेरियल इनपुट 200 kg है, कॉस्ट बता दी उसने, लेबर कॉस्ट बता, लेबर एंड ओवरहेड यानी कन्वर्जन बता दी, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स बता दिया, लॉसेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन प्रोसेस इज 40% कंप्लीट। कहता है लॉसेस का मुझे कब पता चला, जब प्रोसेस 40% कंप्लीट है। अब इसका क्या मतलब बनेगा ये भी समझाऊंगा, और रिक्वायरमेंट वही है, एक तो बताया हुआ है कि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, और रिक्वायरमेंट वही सादा सी मासूम सी, प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। तो बनाते हैं जी इसका प्रोसेस अकाउंट, फिर बाकी वो लॉस की ट्रीटमेंट समझाता हूँ जी। ये एक प्रोसेस अकाउंट बन गया, इनपुट नॉर्मल लॉस 15% है, इनपुट कितना दिया हुआ है 200 kg का, अच्छा इसकी रेट भी दिया हुआ था एट द रेट 4.93 पर kg, तो 200 को 4.93 से मल्टीप्लाई करें तो ये 986 कॉस्ट आई, नॉर्मल लॉस 200 का 15% कैलकुलेट कर लें, 30 kg आपका लॉस हो गया। कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में 4100, ये कॉस्ट के कॉलम में 4100 आ गया। और क्या बताया हुआ है, आउटपुट बताइए 160 की, क्या ये लेजर में यूनिट्स टैली हैं, ये 200 बनता है, इधर 200 है नहीं है, कितना कम है वो अबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि लॉस हो इस तरफ आए बैलेंस तो वो अबनॉर्मल लॉस होता है। वैसे भी चेक करें कि 200 में से 160 kg आउटपुट निकली है, यानी 40 kg जाया हुआ है, 30 तो होना ही होना था, तो 10 kg जो है वो आपका अबनॉर्मल लॉस है। ठीक है जी, ओपनिंग क्लोजिंग इसमें है नहीं। अब हमने इसकी ये वाली साइड भी बराबर करनी है, ये इस तरफ बनता है 4100 प्लस 986, तो ये बना 5086। अब यहां भी 5086 होना चाहिए, तो यहां पे क्या लिखूं, यहां पे क्या लिखूं और यहां पे क्या लिखूं, ये काम हमने करना है।
तो डाटा पढ़ के प्रोसेस अकाउंट के अंदर वैल्यूज पुट करना कोई मसला नहीं है। अब आपको ये पता है कि यहाँ तो स्क्रैप वैल्यू आती है और अगर डिस्पोजल कॉस्ट होती तो वो इस तरफ आनी थी। अब सवाल को एक दफा देख लेते हैं कि कहीं उसने कोई नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू या डिस्पोजल कॉस्ट बताई हुई है, तो मुझे तो नजर नहीं आई कि इस सवाल में उसने कहीं स्क्रैप वैल्यू या डिस्पोजल कॉस्ट का जिक्र किया हो। तो इट मींस यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, डिस्पोजल कॉस्ट भी नहीं है, तो ये चीज जीरो आ गई, कुछ भी नहीं हम लिखेंगे यहाँ पे। अब बच गई दो चीजें, आउटपुट और अबनॉर्मल लॉस। आपको याद होगा कि जिस केस में वर्क इन प्रोसेस नहीं होता था वहां हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते थे, कॉस्ट इंकर्ड माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस डिस्पोजल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट, हम ऐसा करते थे। लेकिन अब ये वाली एक लाइन देखें जिसको मैंने हाईलाइट किया है, लॉसेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन प्रोसेस इज 40% कंप्लीट, यानी मुझे लॉस का पता चल गया जब मेरा प्रोसेस अभी 40% कंप्लीट था। इसका मतलब है कि जब मुझे पता चल गया कि ये चीज जाया है तो मैंने उसे प्रोसेस से निकाल के बाहर कर लिया होगा ना। कॉमन सेंस क्या कहती है कि जब हमारा कोई नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान शुदा चीज हम प्रोसेस से बाहर निकाल लेंगे, ये नहीं होगा कि उसे बनने दे उस पे मजीद पैसा नहीं लगता। ठीक है, जब भी कोई चीज जाया हो जाती है तो उसको हम उस स्टेज से पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं प्रोसेस से, यानी हमारा जो पैसा लगा होगा लेबर और ओवरहेड्स का वो सिर्फ 40% लगा है, मटेरियल 100% लग गया होगा, क्योंकि नॉर्मली मटेरियल हमेशा स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस पे लगता है। तो इस सवाल में उसने ये नहीं बताया कि मटेरियल कब लग रहा है, ओवरहेड्स कब लग रहे हैं, तो मैंने कॉमन सेंस यूज की, मैंने कहा कि मटेरियल शुरू में लग जाता है, जैसे चीनी बनानी है तो चीनी के लिए जितना गन्ना यूज होना है उसका जूस हमेशा शुरू में लग जाएगा, तो मटेरियल स्टार्टिंग पे 100% लग गया। अब जितने लॉसेस हुए हैं ना उनका हमें पता चल गया जब प्रोसेस 40% हुआ, प्रोसेस का 40% होना ये शो करता है कि लेबर 40% लगी थी, ओवरहेड्स भी 40% लगे थे, तो इसका मतलब है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं आ गई, जैसे क्लोजिंग के साथ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देता था, जैसे ओपनिंग के साथ देता था। तो जब भी ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आए इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने हैं, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने पड़ेंगे मटेरियल के और कन्वर्जन के। तो सबसे पहले आप आउटपुट लिख लें, आउटपुट है आपकी 160, तो ये 160 आ गया, 160 इंटू 100%। और अब नॉर्मल लॉस आना होता है, सिर्फ नॉर्मल लॉस तो आना ही नहीं होता, आपने फॉर्मेट पढ़ा तो मैंने हमेशा लिखा अब नॉर्मल लॉस आएगा या गेन आएगा। तो अब नॉर्मल लॉस 10 है, लेकिन 10 यूनिट्स हैं और मटेरियल 100% लग गया, तो यहाँ पे 10 आएगा, और 10 यूनिट्स हैं और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी 40%, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है नहीं इस सवाल में, तो वो नहीं आएगा, अगर होती तो वो भी अपने तरीके से आनी थी, उसकी परसेंटेज फिर अलहदा से दी होनी थी। हम ऐसा सवाल भी करेंगे जिसके अंदर लॉस भी हो और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग भी हो, और फिर ऐसा भी करेंगे जिसमें ओपनिंग भी हो, और लाइफो फाइफो दोनों तरीकों, सॉरी फाइफो और एवको दोनों से करेंगे। तो ये जी टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आए, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब जब इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएं तो अगला काम क्या करना होता है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 986 डिवाइडेड बाय 170, मटेरियल के यूनिट्स 986 डिवाइडेड बाय 170, दिस विल बी 5.8, और जो कन्वर्जन है दैट इज 4100 डिवाइडेड बाय 164, 25। आपकी जो कंप्लीट यूनिट की कॉस्ट आई
ऐड करके वो 30.8 आया, तो ये आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ गई। तो 30.8 को किससे ज़रब देंगे, 160 से, तो ये आ गया 4928। अच्छा, यहां पे मटेरियल सेपरेट, कन्वर्जन सेपरेट, क्योंकि मटेरियल के यूनिट सेपरेट थे, कन्वर्जन के सेपरेट थे। मटेरियल का रेट था 5.8, तो ये 58 बन गया, और कन्वर्जन का रेट था 25 जी, तो 25, तो ये हो गया 100, तो कितना बना 5086। तो ये टैली है। अब आपसे अगर अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू पूछे तो ये 158 है जी, अबनॉर्मल लॉस वैल्यू डॉलर 158 जी। बताएं, सवाल जवाब करें जी, जो नहीं समझ आया। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि बस आज आखिरी स्टेप यही बताना था कि लॉस को किस तरह ट्रीट करना है, तो वो मैंने बता दिया कि लॉस कब आइडेंटिफाई हुआ। तो लॉस कब आइडेंटिफाई हुआ, 40% पे जाके। इसका मतलब है कि मटेरियल तो शुरू में लग जाता है नॉर्मली, तो मटेरियल के लिए अब नॉर्मल लॉस 100% और अब नॉर्मल लॉस पे कन्वर्जन 40%। तो हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाए, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट की, और उसी तरह क्लोजिंग को जिस तरह ट्रीट करते थे उसी तरीके से हमने इसे ट्रीट किया। तो ये यहाँ से मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ कि इसने क्या सोल्यूशन किया है। ये नॉर्मल लॉस उसने फाइंड किया 30 kg का, ये अब नॉर्मल लॉस फाइंड किया, फिर उसने यूनिट्स फाइंड किए मटेरियल के 170, कन्वर्जन के 164, ये रेट आ गया, बिल्कुल टैली है हमारे साथ। फिर उसके बाद उसने ये टी अकाउंट बनाया, तो टी अकाउंट में देखें इस जगह पे नील लिखा हुआ है स्क्रैप वैल्यू के सामने, 30 kg जहाँ पे था, ये 4928 हमारे साथ टैली है, 158 भी टैली है। तो उसने 158 की कैलकुलेशन ऊपर दिखा दी है ये वाली, तो मैं टी अकाउंट के अंदर ही दिखा देता हूँ कैलकुलेशन, उसने सेपरेट कर दिया है, तो वो आपकी मर्जी है, जहाँ मर्जी करें। इवन हमारा पेपर तो कंप्यूटर बेस्ड है, वहाँ पे तो ये भी करने की गुंजाइश नहीं होती, जस्ट आंसर ही लिखना होता है। तो आप वर्किंग पेपर पे ये कैलकुलेशन कर लेंगे और वहाँ पे अब नॉर्मल लॉस के सामने उसकी वैल्यू लिख देंगे, और फिनिश गुड्स के सामने यानी आउटपुट के सामने आउटपुट की वैल्यू लिख देंगे। तो ये बेटा आपको मैं ये शेयर कर दूंगा गूगल क्लास में, इसको आप देख लीजिएगा, ये PDF शेयर कर दूंगा। और कोई सवाल है आपके तो आप पूछ लें, मैं जवाब देता हूँ। जी, मैं आपको ऑलरेडी पहले लेक्चर में बता चुका था प्रोसेस के अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन को वही रेट चार्ज होता है जो आप आउटपुट को चार्ज करते हैं। नॉर्मल लॉस को सिर्फ स्क्रैप वैल्यू और डिस्पोजल कॉस्ट पे लिखते हैं, वो दो रूल लिखे थे ना, रूल वन और रूल टू। तो ये प्रोसेस के ऑलमोस्ट पहले लेक्चर में हमने रूल बना लिया था कि अबनॉर्मल लॉस और गेन को गुड आउटपुट के बराबर कॉस्ट चार्ज करा रहे होते हैं, यानी जो रेट उन पे लगना चाहिए वही रेट हम उन पे लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा अपना फॉल्ट था जी। रफ पेजेस आपके पास होते हैं, आप उस पे वर्किंग करते हैं, अदरवाइज जुबानी कैसे हो सकता है। जी, 40% कंप्लीशन उसने क्वेश्चन में बताया हुआ था, मेरी अपनी तरफ से कुछ नहीं था, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था लॉसेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन प्रोसेस इज 40% कंप्लीट। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जब भी कोई चीज जाया होती है, और उसने लिख दिया कि मुझे पता चल गया, आइडेंटिफाइड का क्या मतलब है, मैंने पहचान लिया कि ये जाया हो गया, तो 40% तक की एफर्ट लग चुकी थी, यानी 40% पैसे लग चुके थे, 60% अभी लगने थे कि वो फलां चीज जाया होगी, तो मैंने उसे प्रोसेस से बाहर निकाल लिया। इसीलिए मैंने जब इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट किए तो मैंने कन्वर्जन को 40% लिया, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि प्रोसेस अभी 40% चला था। मैंने मटेरियल को टोटल क्यों लिया, क्योंकि मटेरियल नॉर्मली शुरू में लग जाता है,
अगर मटेरियल भी स्टेप बाय स्टेप ऐड हो रहा हो तो फिर मटेरियल भी 40% आना था, लेकिन फिर सवाल में वो लिख देता कि मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स ऑल आर 40%, तो फिर हमें 40% लेना था, या मटेरियल की कोई और परसेंटेज दे देता, मटेरियल इज 80% तो मटेरियल के लिए 80% ले लेना था और बाकी चीजों के लिए फिर 40 आ जाना था। लेकिन यहाँ उसने मटेरियल के बारे में साइलेंट था, तो हमने कॉमन अप्रोच यूज की कि नॉर्मली यही होता है कि प्रोसेस के शुरू में जितना मटेरियल लगना होता है वो लगा चुके होते हैं, इसलिए हमने मटेरियल की परसेंटेज 100% ली। जी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ये ट्रिक नहीं है, ये बस आपने इसको ध्यान से देख लेना है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, जितनी वो कहेगा, हर सवाल में डिफरेंट होती है आपको पता है, ये तो डाटा पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें एक जो इंडस्ट्री ट्रेंड है वो मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सम टाइम ना हमें लॉसेस का पता चलता है बिल्कुल आखिर पे जाके, लॉसेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन प्रोसेस इज 95% कंप्लीट। फिर तो हमने इसको 10 को 95% लेना था, वो 9.5 होना था, ठीक है ना, कन्वर्जन के लिए। अब इसी स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, लॉसेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन प्रोसेस इज मोर देन 95% कंप्लीट। अब क्या करना था, 10 × 100%, यानी 95% तक की परसेंटेज होगी ना अगर, तो वो परसेंटेज अप्लाई करनी है। लेकिन जब वो लिख दे मोर देन 95% इज कंप्लीट, 96 लिख दे, 97 लिख दे, 98 लिख दे, तो हम उसे प्रैक्टिकली फिर 100% ही ले रहे होते। ये वैसे पेपर में एक आध दफा देखा गया इस तरह का ट्रिक, ठीक है, अगर मोर देन 95% की परसेंटेज दे दे, 96 हो, 95.1 हो, 95.5 हो, 97 हो, तो आपने उसकी कैलकुलेशन 100 पे कर लेनी, कोई मसला नहीं। प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है, क्या हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो 2-2.5% नहीं बचे होंगे, वो पैसे ऑलमोस्ट लग चुके होते हैं। जी क्लियर है जी सबको, ये जो मोर देन 95% वाला एक आपको पॉइंट बताया है कि अगर तो वो 95 तक लिखे तो वो वही लेना है जो उसने लिखा हुआ है। मोर देन 95% की कोई भी चीज आ जाए तो उसके लिए 100% भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यार आप देखें जानबूझ के मुझे चुटकियां काटते हैं इस तरह के सवाल पूछ के। एक बच्चा कह रहा है जी सर अगर मोर देन 85 लिखा हो, बताएं भाई क्या करना चाहिए, अगर मोर देन 85 लिखा हो तो मुझे क्या लेना चाहिए। यूसुफ 85 95 से छोटा होता है ना, यूसुफ बताओ शाबाश कि 85 जो है वो 95 से छोटा होता है ना, तो फिर 85% ही लेना है आपने। मोर देन 95% होगा तो आपने 100% पे जाना है, लेस देन 95% होगा कोई भी रेट है
वो आपको जो दिया है उतना आपने लिखना है। नाइन्टी परसेंट पे 90 लेना है, 91 पे 91 लेना है, 91 लेना है। चलें ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ये मैं फाइल पीडीएफ की गूगल क्लास में शेयर कर दूंगा, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे तो ये बुक के क्वेश्चंस ही हैं, तो आपने इसको यहाँ से भी देख लेना है। सॉल्यूशन हमने सारा कर लिया है। अब मैं कल आपको ऐसा सवाल कराऊंगा जिसके अंदर वर्क इन प्रोसेस भी हो, लॉसेस भी हो, तो कल इंशाल्लाह इसको सब कुछ इकट्ठा करके करेंगे, एवको से भी और फाइफो से भी। तो इसलिए कल तक आपने जो कुछ पढ़ चुके हैं इसमें सारा आपकी फिंगर टिप्स पे होगा, तो कल का लेक्चर बहुत आसान लगेगा। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।